हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र गोयल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में। प्रश्न, परिकल्पना का क्या अर्थ है? उत्तर, परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना को बताने के लिए पहले से विचार बनाना या कल्पना करना। प्रश्न दो, किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है? उत्तर, सर आइजक न्यूटन। प्रश्न तीन, पृथ्वी हर वस्तु को किस कारण अपनी तरफ खींचती है? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रश्न चार, वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण बताइए। उत्तर एक, जिज्ञासा, दो, प्रश्न करना, तीन, परिकल्पना, चार, परीक्षण, पाँच, निरीक्षण, छह, विश्लेषण, सात, वर्गीकरण, आठ, अभिलेखन, नौ, पुनर्विचार, दस, निष्कर्ष निकालना, ग्यारह, नए प्रयोग। प्रश्न पाँच, कृषि के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले यंत्रों के नाम लिखो। उत्तर, ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि। प्रश्न छह, भोजन बनाने में परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन क्या थे? उत्तर, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन। प्रश्न सात, भोजन के क्षेत्र में वर्तमान में विज्ञान की देन क्या है? उत्तर, गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉनस्टिक बर्तन, इंडक्शन चूल्हा आदि। प्रश्न आठ, कृषि के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन क्या थे? उत्तर, हल, बैल, कुआं, रहट, गोबर की खाद। प्रश्न नौ, कृषि के क्षेत्र में वर्तमान में विज्ञान की देन क्या है? उत्तर, ट्रैक्टर, नहरे, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाएं। प्रश्न दस, यातायात के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन क्या थे? उत्तर, बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि। प्रश्न 11, यातायात के क्षेत्र में वर्तमान में विज्ञान की देन क्या है? उत्तर, साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी का जहाज आदि। प्रश्न 12, मनोरंजन के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन क्या थे? उत्तर, नाटक, नौटंकी, बिरहा, कठपुतली, नृत्य आदि।